हेलो एंड वेलकम टू राइड राइडर्स। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा टीम है। हम लोग एक साथ इधर घूमने के लिए आए हैं, ब्लॉगिंग करेंगे। बहुत मस्ती की है हम लोग। कल हम लोग, मैं तो कोलकाता से मॉर्निंग में निकल गया था, फिर हम लोग तारकेश्वर आके मेरा जो तीन फ्रेंड के साथ मीट किया। रास्ते पर बहुत एंजॉयमेंट हुआ है। चार फ्रेंड मिल के बहुत एंजॉय किया। हम अजंता सीरीज का दो वीडियो मैं क्लिक किया हूँ। एक वीडियो हम लोग रास्ते पर किया और एक जो वीडियो है वो एक्सप्लोर करने के लिए। आप दो वीडियो जरूर देखिए और शुरू से लेकर एंड तक ये वीडियो जरूर देखिए। मैं पूरा डिस्क्रिप्शन दे दूंगा कि हम लोग कहाँ रुका था, कैसा खाना मिला, खाना कितना प्राइस था, हम लोग कैंप फायर किया। सबसे मजे के बाद ये है, हम लोग बहुत एंजॉयमेंट किया। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। चलिए अभी इंट्रोड्यूस कर देता हूँ मेरा जो जो फ्रेंड है। हाय, हेलो एवरीवन, दिस इज संजू। हाय अदर गाइस, आई एम प्रीतम फ्रॉम तारकेश्वर। हेलो एवरीवन, आई एम सुंकु फ्रॉम तारकेश्वर। ओम नमो शिवाय। आज का जर्नी मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी मॉर्निंग का 6:30 बज गए। मुझे 4 बजे ही उठ के चला जाना चाहिए था, लेकिन बहुत लेट हो गए। 650 किलोमीटर मुझे जाना है। मैं इधर टालीगंज से तो अकेले निकला हूँ और चापाडांगा में मेरा 3 फ्रेंड और है, वो लोग उधर से मेरे साथ ज्वाइन करेगा, फिर हम लोग निकल जाएंगे अयोध्या के लिए। कोलकाता का ट्रैफिक मुझे बहुत अच्छा लगता है। रास्ते में गाड़ी हो या ना हो, अगर रेड सिग्नल है तो रुकेगा ही रुकेगा गाड़ी। पहले मुझे पेट्रोल भरवाना पड़ेगा, फिर मैं निकल जाऊंगा इधर से। पहला मेरा स्टॉप है चापाडांगा तारकेश्वर, उसके बाद आरामबाग, बांकुड़ा, विष्णुपुर, पुरुलिया होके अयोध्या निकलूँगा। पूरा रोड में, रास्ता का मैं पूरा डिस्क्रिप्शन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि रोड कैसा है, क्या है। पूरा वीडियो को आप शुरू से लेके एंड तक जरूर देखिए। आज बहुत मज़ा आने वाला है। मैं तो पहाड़ के ऊपर वही उड़ीसा जो गया था, उधर ही मैं स्कूटी लेके जो गया था उड़ीसा, उधर ही मैं बाइक चलाया था, लेकिन हिल्स एरिया में मैं अपना सुजुकी जिक्सर जो बाइक है ये लेकर राइड में नहीं किया। आज मेरा पहला राइड होगा। 300-350 किलोमीटर है मुझे जाना है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, ज़्यादा बड़ा मैं नहीं करूँगा, 15-16 मिनट का, 20 मिनट का ही मैं लॉन्ग करूँगा वीडियो। ये वाला वीडियो में अगर पूरा नहीं आ पाएगा तो आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए। ए सीरीज का जितना भी वीडियो होगा वो सारा वीडियो देखिए, आपको अच्छा लगेगा। कैंप फायर करेंगे हम लोग उधर, बहुत मज़ा आएगा। अलीपुर पहुंच गए। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो है, ये अलीपुर जो है, ये भी मैं एक्सप्लोर करूँगा, इधर भी आऊँगा मैं। 6:30 बज गया है, लेकिन अभी से ही रास्ता में जाम शुरू हो गया। सूरज जस्ट पीछे ही है। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, हिंदी सीखने का कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग मेरा साथ अगर रहोगे तो ज़रूर सीख जाएंगे हिंदी। सिग्नल ओपन है, निकल जाना चाहिए अभी। अभी जस्ट सेकेंड ब्रिज आने वाला है, सेकेंड हुगली ब्रिज। अरे वो लोग शायद मार देगा, मेरा जो 3 फ्रेंड जो चापाडांगा में वेट कर रहे हैं वो लोग शायद मार देगा। मुझे बोला था कि 7 बजे उधर पहुंच जाने के लिए, 6:30 बजे ही मैं इधर से निकला हूँ। सफाई चालू हो गए मॉर्निंग का 6:30 बजे से ही। रोड का सफाई सच रखना होगा सब कुछ। जिस रोड से मैं जाने वाला हूँ वो रोड का पूरा डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चाहो तो वो रोड फॉलो करके भी जा सकते हो, या फिर सिंपल सा है, गूगल में आप मारिए, आप जिधर जाना चाहते हो गूगल मैप में
वो आपको रास्ता दिखाते हुए ले चला जाएगा। ओ ओ ओ, बहुत एंजॉय होने वाला है आज, मुझे तो बहुत एक्साइटिंग हो रहा है कि कब मैं पहुंचूं मेरा फ्रेंडों के साथ मिलूं, फिर वहां से एक साथ हम लोग कब निकलूं। मॉर्निंग का सेकेंड हुगली ब्रिज वेलकम कर रहा है सेकेंड हुगली ब्रिज। वेलकम। ज़्यादा स्पीड में मैं बाइक नहीं चला रहा हूँ, मार्जिन स्पीड में ही चला रहा हूँ और आगे भी मैं मार्जिन स्पीड में ही चलाऊँगा, ज़्यादा स्पीड में मैं नहीं चलाने वाला हूँ। मैं प्रोफेशनल ब्लॉगर तो नहीं हूँ, प्रोफेशनल राइडर भी नहीं हूँ, लेकिन धीरे धीरे हो जाऊँगा। राइडिंग वाला जैकेट भी मुझे परचेस करना पड़ेगा और राइड करने के लिए जो जो भी चाहिए वो मुझे परचेस करना पड़ेगा। फिर भी मेरा गाड़ी में बहुत सारा सामान हो गया, कल रात को ही मैं बैकपैक कर लिया था। पूरा एक्सप्रेस वो कहीं निकलना पड़ेगा और सेकेंड हुगली ब्रिज का टोल जस्ट अभी पार करने वाला हूँ। मैं लेफ्ट से निकल जाता हूँ। हाँ, ये VIP वाला रोड है, VIP वाला टोल गेट है, यहाँ से सिर्फ VIP का एंट्री होता है। मैं भी निकल जाता हूँ, एक बाइक तो निकल गया, इधर से बाइक एंट्री नहीं है। निकल गया मैं अंदर नहीं जाऊँगा, मैं राइट की साइड लेता हूँ। कोना एक्सप्रेस वे की तरह मैं जाता हूँ, जो राइट हैंड साइड में है। ये नवान्न है, ये वेस्ट, यहाँ से वेस्ट बंगाल का जो मुख्यमंत्री जो है अभी तो ममता बनर्जी है, उसी का हेडक्वार्टर है ये नवान्न। मैं अभी वीडियो कर रहा हूँ, ज़्यादा जल्दी में था इसलिए मैं ग्लव्स नहीं पहना हूँ। आप लोग अगर राइट में निकलते हो तो आप पूरा प्रोटेक्शन होकर ही आप निकले घर से। सत्रगाछी था कि मैं वीडियो करूँगा, फिर उन लोगों से मिलने के बाद चापाटांगा के बाद ही हम लोग वीडियो करेंगे। मॉर्निंग में सिर्फ वही नींबू पानी ही खा के निकला था घर से, आगे जाके उन लोगों से मिलने के बाद ही मैं ब्रेकफास्ट करूँगा। सब एक सब मिलके ही ब्रेकफास्ट करेंगे। देखिए अभी से ही कितना भीड़ है। कोलकाता खुशिया का शहर, सिटी ऑफ जॉय। आज दो बाइक लेकर ही हम लोग जाएंगे, चार बंदे। मेरा तो ये सुजुकी जिक्सर है और एक है पल्सर, 150cc का है पल्सर। चलो कैंप फायर करेंगे। ठंडा भी बहुत अच्छा ठंडा है, ठंडे में ही तो ज़्यादा मज़ा आता है घूमने में। सच में इतना अच्छा लग रहा है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ कि कितना अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों के बाद निकला हूँ राइड पे, ऐसा लॉन्ग राइड पे। ऐसे तो मैं रोज़ ही निकलता हूँ। दीघा कोलकाता मेरा होम टाउन है, दीघा कांठी। दीघा से सिर्फ 40 किलोमीटर आगे ही है मेरा घर, तो वो भी मैं एक्सप्लोर करूँगा। मैं अपने हिसाब से एक्सप्लोर करूँगा, घर के पास ही है इसलिए एक्सप्लोर नहीं किया। और ब्लॉगिंग भी तो मैं अभी से ही शुरू किया हूँ, इस जनवरी मंथ में ही मैं ब्लॉगिंग शुरू किया हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि मैं हर रोज़ इधर उधर जाता हूँ। वीडियो पहले नहीं करता था, अभी करना शुरू किया तो मैं करूँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा कि मैं कहाँ कहाँ जाता हूँ, कहाँ कहाँ घूमता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा वैसा वीडियो दिखाऊँगा, अच्छा अच्छा जगह का प्लेस का मैं डिस्क्रिप्शन दूँगा कि कैसे आप लोग उधर जा सकते हो, मैं कैसे उधर पहुँचा हूँ, वो पूरा मैं डिस्क्राइब करूँगा पूरा। चलिए मैं इधर कैमरा का ऑफ करता हूँ, फिर रास्ते में मिलेंगे। ये कुतुलपुर बस स्टैंड है, यहाँ से सीधा हम लोगों को और भी जाना है। पीछे हम लोगों का और एक बाइक आ रहा है, इसके दो फ्रेंड है, मैं इधर पीछे बैठा हूँ। मैं अभी पीछे बैठ के मज़ा ले रहा हूँ और मेरा फ्रेंड सोंकू
अभी ड्राइव कर रहा है। 100 किलोमीटर मैं चलाया, फिर 100 किलोमीटर शंकु चलाया, ये निकल गया। आरामबाग के बाद हम लोग अभी जयपुर बोल के एक जगह है, उधर रुके हैं। ये बोनलोसा बोल के एक रेस्टोरेंट है, आप लोग अगर आते हो तो इधर आप हॉल्ट कर सकते हो, इधर चाय वगैरह इधर पी सकते हो। ये दादा ये कौन सा मिठाई है, ये वाला देखिए, रसगुल्ला, रसगुल्ला एक लो। बाप रे, कितना करके प्राइस है, 30 रुपीज करके। एक रिसोर्ट है बोनालोसा बोल के, जो रिसोर्ट है उसके अंदर बहुत अच्छी तरह से सजा हुआ है सब कुछ, छोटा छोटा घर है, रेस्टोरेंट है छोटा छोटा। अभी हम लोगों का नेक्स्ट स्टॉपेज है बांकुड़ा। जयपुर में हम लोग रुके थे, ये राजस्थान वाला जयपुर नहीं है, ये वेस्ट बंगाल वाला जयपुर है। यहाँ से ही जंगल स्टार्ट हो जाता है, पूरा दोनों साइड जंगल ही जंगल है, ये साल जंगल है, साल का जो पत्ता होता है उसी का ही जंगल है ये। मस्त रोड है, मैं अभी पीछे बैठा हूँ भी, और शंकु है, शंकु बाइक चला रहा है। शंकु इस वाले रोड चला जा रहा है बिष्णुपुर, बिष्णुपुर गेट है, बिष्णुपुर टाउन की तरफ चला जा रहा है ये सीधा रोड, और हम लोग बाईपास होकर निकल रहे हैं। अभी हम लोग पहुंच गए हैं बांकुड़ा। ये रोड जो है सीधा पुरुलिया जाता है, और इधर राइट हैंड साइड में जो रास्ता चला गया है वो जाता है बांकुड़ा, बांकुड़ा टाउन की तरफ जाता है। हम लोग सीधा निकलने वाले हैं। क्या रोड है, एकदम रोड नीचे की तरफ जाता है रोड, और भी 130 किलोमीटर है, 123 किलोमीटर के बाद हम लोग अयोध्या पहुंच जाएंगे। बहुत अच्छा रोड है, हम लोग अगर बाइक लेके आओगे तो आपको बहुत मजा आएगी बाइक चलाने में इस रोड पे। लेकिन हाँ, बाइक चलाने के टाइम हेलमेट आप जरूर पहना कीजिए, और ज़्यादा स्पीड में मत जाइए,
मिनिमम आप 70-75 तक आप स्पीड उठा सकते हो, उसके ऊपर भी जा सकते हो, लेकिन उसके ऊपर नहीं जाइए, रिस्क हो जाता है बहुत ज़्यादा। मैं भी जो बाइक चलाता हूँ मैं 70-75 तक ही मैं उसका स्पीड मेंटेन करता हूँ। रोड देखिए, रोड वॉसम रोड है। हम लोग अभी पहुंच गए हैं लाल मिट्टी का देश पुरुलिया। में पहाड़ शुरू हो गया है, अभी छोटा छोटा पहाड़ है, फिर आगे जैसे जाऊंगा आगे ऐसे बड़ा बड़ा पहाड़ मिलेगा, पहाड़ बड़ा होता जाएगा। अभी ऐसे छोटा छोटा पहाड़ दिख रहा है। कोलकाता से अयोध्या तक जो रोड पे मैं आया हूँ इस रूट में मुझे सिर्फ एक ही टोल मिला है NH के ऊपर, लेकिन हुगली ब्रिज में मिला था एक टोल। मेरा तो टोल नहीं लगता है, बाइक है, बाइक लेके आया इसलिए टोल नहीं लगा। आप लोग अगर प्राइवेट कार लेके आओगे तो आपको दो टोल भरनी पड़ेगी। अभी टाइम 4 बजने के लिए 5 मिनट और बाकी है, हम लोग पुरुलिया पहुंच गए। इधर हम लोग खाना खाएंगे, लंच करेंगे, इधर लंच करने के बाद हम लोग फिर अयोध्या के लिए निकल जाएंगे। हम लोग पुरुलिया बस स्टैंड के आगे ऐसा एक हम लोग एक रेस्टोरेंट में रुके थे, इधर 75 रुपीस में हम लोग बिरयानी खाया हूँ इधर। फिर इधर से खाना खाना हो गया, लंच हो गया, फिर हम लोग अभी निकलेंगे अपना मंजिल की तरफ। दूर में वो पहाड़ दिख रहा है, मंजिल अभी ज्यादा दूर नहीं है, आ गए हम लोग मंजिल के पास। पूरा ये चारों तरफ पूरा कुछ भी पहाड़ नहीं है, देखिए आगे पहाड़ है, वो पहाड़ के ऊपर हम लोगों को जाना है। हम लोग अभी पहाड़ चढ़ना शुरू कर दिया, हम लोगों का टीम इधर खड़ा हुआ है, हम लोग अभी खड़े होके इधर होटल वगैरह को होटल वाले को हम लोग कॉल कर रहे हैं कि होटल कहां पर है और कितना किलोमीटर जाना है, इधर हम लोग सर्च कर रहे हैं। ये गूगल हम लोग एक शॉर्ट रास्ता दिखा रहा है,
इधर से ये जो रास्ता जो जा रहा है इस रास्ते से हम लोगों को जाना है पहाड़ की तरफ। आज हम लोग रात को ही पहाड़ के ऊपर हम लोग चला जाएंगे।